हेलो आयल, वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्रैक मेडिको। जैसा कि हम लोग वन शॉट रिवीजन वीडियो जो है केमिस्ट्री का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दो टॉपिक अभी तक कंप्लीट किए हैं, और आज तीसरा टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे के पूरे इंटायर केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें हर साल आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है नीट में ज़रूर मिलते हैं। तो इस टॉपिक की वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और जहाँ पे भी समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। लास्ट दो वीडियो जो है मैंने केमिकल बॉन्डिंग और पॉलीमराइजेशन के बारे में डाला हुआ था, तो वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी हो तो www.youtube.com/c/cracmedico, इस वाले लिंक को जैसे आप लोग गूगल पे हिट करेंगे तो आप लोग उसमें जो है फिजिक्स वन शॉट रिवीजन वीडियो और केमिस्ट्री वन शॉट रिवीजन वीडियो दोनों ही आपको लिंक मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग जो अपना रिवीजन कर सकते हैं, साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, चलिए टाइम को हम लोग वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले कि अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें। ओके, आज इसमें देखिए पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो है वो चार चीज़ें आप लोगों को पढ़नी होती हैं अच्छे से। पहला, लिगेंड्स के बारे में क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी कंपाउंड की मैंने उनका कोऑर्डिनेशन पूछा जाएगा कि वो बाइडेंटेड है, हेक्साडेंटेड है, मोनो है, वैलेंट है, कैसा है। फिर आता है ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है, या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा जाता है। फिर इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हो, चाहे पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म पूछा गया हो, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा गया हो। तो और फिर आता है लास्ट आपका आइसोमेरिज्म, है ना। आइसोमेरिज्म में लिंकेज आइसोमर्स होगा, आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगी, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इनका वन बाय वन करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि कुछ इम्पॉर्टेंट नेम है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको आता है एक पोटास एलम, है ना, पोटास एलम, तो इसका फार्मूला आपका होता है K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस.24H2O। ठीक है, इसी को हम लोग ये फिटकरी भी बोलते हैं। फिर दूसरा आता है आपका मोहर सॉल्ट, इसका जो है आप लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा जो भी 12th के स्टूडेंट हैं उन्होंने जो है प्रैक्टिकल भी करके देखा होगा मोहर सॉल्ट का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल होता है आप लोगों का। तो Fe SO4 NH2 होल ट्वाइस SO4.6H2O। फिर एक आता है आपका कार्नेलाइट, ठीक है, कार्नेलाइट का फार्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम लोग को याद रखनी होती हैं। फिर उसके बाद मेन चीज़ आती है इसमें लिगेंड्स को लेके, ठीक है, आखिर लिगेंड्स होते क्या हैं। तो लिगेंड्स के अगर सिंपल से डेफिनेशन बताऊं तो एनायन एंड कैटायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच कंबाइन विद मेटल आयन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, दैट इज नोन एज द लिजेंड। यानी कि एनायन कैटायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल कोई भी जब है मेटल के साथ कंबाइंड होकर जो है कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिजेंड्स। इसको एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको गिवन है Cu NH3 होल 4 SO4, तो ये आपका जो है ये आपका कहलाता है सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये आपका कहलाता है लिजेंड, ठीक है, ये 4 जो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स आते हैं, आता है पहला मोनो डेंटेट, ठीक है, तो मोनोडेंटेट में आपका जो एग्जांपल आता है अमोनिया हो गया, एनओ हो गया, H2O हो गया, ये सब मोनोडेंटेट के लिगेंड होते हैं। फिर दूसरा आता है आपका बाईडेंटेट, है ना, तो बाईडेंटेट में आपका आता है ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट। अब ऑक्सिलेट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये होता है आपका CO-COO, इसका फार्मूला होता है आपका C2O4-2।
या फिर इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से ही बना होता है। ओ माइनस, और यहाँ पे आपका मेटास। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है आपके बाइडेंटेट के होते हैं ऑक्सीलेट के। फिर इन सब में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो लैंग आपका पूछा जाता है वो होता है आपका हेक्सा डेंटेट, हेक्सा डेंटेट, और वो आपका होता है EDTA, एथिलीन डायमिन ट्राई एसीटेट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ध्यान से देखना है। NCH2CH2 एन देन CH2COO- देन सेम इधर भी CH2O COO- CH2COO-। ये जो है आपका EDTA का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, चलिए पहला जो है हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट डिस्कशन कर लिया लिगेंड्स के बारे में। दूसरा चीज़ आता है, दूसरा क्या आता है, ऑक्सीडेशन नंबर है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो आपका बराबर होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। तो इसका एग्जांपल मान लीजिए दिया है Cu(NH3)4SO4। अब देखिए यहाँ पे पहले तो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर ये मान लेते हैं हम अगर एक्स है, तो एक्स ये एक्स हो गया, अमोनिया का जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो हो गया, तो एक्स प्लस जीरो ठीक है माइनस का टू इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया टू, यानी आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया टू हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है फोर है ये। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है 29 कॉपर का माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि टू, कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू फोर यानी ये हो गया एट, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया गया 35। ठीक है, तो ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके हाइब्रिडाइजेशन के, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये निकलता कैसे, तो इसके तीन स्टेप्स होते हैं ट्रिक के। पहला क्या करना है आपको, फाइंड सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, दूसरा आइडेंटिफाई टाइप ऑफ लिजेंड्स, यानी अगर इसमें दो तरीके के लिगेंड्स होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रांग और एक होता है वीक फील लिगेंड। अगर स्ट्रांग है तो इसमें क्या होगा, पेयरिंग होगा, और अगर वीक है तो पेयरिंग नहीं होगा। थर्ड आता है मैक्सिमम जो हाइब्रिडाइजेशन है, मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन आपका D2SP3D2 जा सकता है। ठीक है, अब स्ट्रांग और वीक कैसे पता चलता है, तो इसका जो है सिंपल सा आपको गिवन होता है I- Br- Cl- OH- ये सब आते हैं आपके वीक में। ठीक है, स्ट्रांग में क्या क्या आता है, स्ट्रांग में आपका CN हो गया, CO हो गया, ठीक है, फिर आपका NO2- हो गया, तो ये सारे आपके आते हैं, अमोनिया हो गया, ये सारे आप लोगों के आते हैं किसमें, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू जो है सॉल्व करते हैं, तो हमारा शायद ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। उसके पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, उसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, और अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। दूसरा चीज, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो क्या होगा, पैरा होगा, और अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, डाया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन गिवन है CO NH3 होल सिक्स प्लस का थ्री।
अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, तो कोबाल्ट एक्स हो गया, अमोनिया जीरो होता है, ये प्लस थ्री है तो एक्स बराबर हो गया थ्री। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सिक्स। अब हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं, तो देखिए कोबाल्ट होता है आपका 27, यानी कि 4H2 3D7, लेकिन है कितना ये कोबाल्ट प्लस थ्री, तो कोबाल्ट प्लस थ्री क्या होगा, मैंने क्या बोला था इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो दो इसमें से निकल गए, एक इसमें से निकल गए, तो बचा क्या 3D6। अब सिक्स बनाया हमने, एक दो तीन चार पाँच सिक्स, ठीक है। अब सिक्स तो ये बन गए, लेकिन ये है क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो जब स्ट्रांग फील्ड है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, तो जब ये आपका स्ट्रांग फील्ड है तो सीधा का सीधा ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक होगा, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, इस तरीके से हम लोग इसकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है आपका आइसोमेरिज्म का, आइसोमेरिज्म। तो पहला आइसोमेरिज्म आता है आयनाइजेशन, आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ग्रुप ऑफ आयन बिटवीन बिटवीन कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर एंड आयन, जैसे CO(NS3)4(Br2)SO4 and CO(NS3)4(SO4Br2), ठीक है। तो ये आपका हो गया आयनाइजेशन। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड, हाइड्रेट। हाइड्रेट में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे Cr(H2O)6 Cl3 अगर आपको गिवन है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, Cr(H2O)5Cl.H2O। ये आपका होता है ग्रीन कलर का और ये होता है आपका वायलेट कलर का, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। फिर हाइड्रेट के बाद थर्ड आता है आपका लिंकेज। तो लिंकेज मोस्टली जो है वो आपको एनओ देता है, सी एनओ टू आपका, सॉरी ये आपका एनओ टू माइनस देता है, सी एन माइनस देता है, एस सी एन देता है, तो ये सारे देता है। जैसे CONH3(5NO2) Cl या CONH3(5ONO Cl), ठीक है। तो ये आपका हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके की जो है ये आइसोमेरिज्म होती है, आप लोगों की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ना था, तो जितना भी मैंने आप लोगों डिस्कस किया वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो आप लोगों के हाइब्रिडाइजेशन से आते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछने के लिए आते हैं, तो उनको अच्छे से देखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसमें पेयरिंग होती है, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो उसमें पेयरिंग नहीं होती है, ओके। सो प्लीज़ वीडियो को जाके ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में ही आप लोगों को जो मैंने डिस्कस किया हुआ था लास्ट वीडियो में भी, कि फिजिक्स का चैप्टर वाइज जो है वो पिछले 5 से 7 साल के क्वेश्चन वीडियो भी मैं डालूंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है उसकी वीडियो भी जो है आप लोगों को जल्दी अपलोड होके मिल जाएगी। तो उस वीडियो को भी देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ओके। थैंक्स टू ऑल।